गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये बहुत मुश्किल स्थिति है, हम भारत और चीन से दोनों से बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले भी भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हालांकि उनकी इस पेशकश को दोनों देशों ने ठुकरा दिया था। It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. Mr. President, six of your advanced cabinet members tested positive. The assessment of the situation between India and China, sir. It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. Mr. President, six of your advanced cabinet members tested positive. 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life 24 Media Institute. Admission open. Registration के लिए कॉल करें 9560464170.